सो हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आई होप कि आप लोग अच्छे हैं। सो दोस्तों, आज इस वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता चल गया, मैं आपको बता दूँ RSC वर्सेस WL। जी हाँ दोस्तों, RSC और वेटिंग लिस्ट में आपका दोनों में सबसे बेस्ट कौन है? अगर आपको ट्रेन टिकट बुक करते हैं और नहीं पता है कि RSC क्या होता है, WL क्या होता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन जो भी होगा, आपका सारा डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा। और इसमें मैं बताने वाला हूँ RSC बेस्ट होता है बुकिंग के लिए या WL बेस्ट होता है, वेटिंग लिस्ट बेस्ट होता है, और कौन सी बुकिंग करना चाहिए, किसका कंफर्मेशन का चांसेस ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, और RSC में क्या सीट मिलती है, क्या नहीं मिलती है, और सारा चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू आए तो कृपया चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो चलिए वीडियो की तरफ और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले RSC समझते हैं। RSC होता क्या है? RSC का फुल फॉर्म ही होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। इसका कहने का मतलब यह है कि आपका जो है हाफ बर्थ आपका अलाउ है दोस्तों। जैसे ही आप बुकिंग करेंगे RSC में, आपका हाफ बर्थ कन्फर्म है, यानी कि हाफ आपका जो है बर्थ मिलेगा ही मिलेगा, और उसके बाद आपका जैसे ही कन्फर्म होगा आपका फुल बर्थ मिल जाएगा। सो रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन यानी कहने का मतलब ये है कि आपने अगर बुकिंग किया, आपने RSC में बुक किया और आपका बुकिंग है RSC 1 आपका बुकिंग, और मेरा कन्फर्म है उसी में, सेम ट्रेन में मेरा कन्फर्म है और आपका RSC 1 है। सो दोस्तों, उसमें अगर मैं अपना टिकट कैंसिल करूँगा, जैसे ही मैं अपना कैंसिल करूँगा तो RSC आपका 1 है, तो आपका जो होगा पूरा कन्फर्म बर्थ मिल जाएगा, यानी कि आपको सीधा कन्फर्म वहाँ पर लिख जाएगा, आपका जो भी सीट नंबर वहाँ पर कन्फर्म लिख के आपका सीट नंबर दे दिया जाएगा। सो ऐसा होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, यानी कि जो भी रिजर्वेशन किया हुआ वो अगर जैसे ही कैंसिल करता है आपका जो है कन्फर्म हो जाएगा, और अगर कन्फर्म नहीं होता तो RSC में आप हाफ बर्थ आपका अलाउ रहेगा और हाफ बर्थ में आप जा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो सीट आपको दिख रहा होगा। सो यहाँ पे आपको एडजस्ट करने के लिए साइड में आप देखिए, यहाँ पे एक ये साइड में है और एक इस साइड में, आप दोनों में आप बैठ सकते हैं। दोनों आप लोग अगर AC में अगर सीट है और कन्फर्म नहीं मिलता है तो आप लोग दोनों इसमें हैं कि आप लोग जा सकते हैं अपना एडजस्ट करके, क्योंकि इसी में आपको दोनों को रहना है, क्योंकि दोनों का सीट वही है, आपका भी सीट नंबर वही है, उनका भी सीट नंबर वही है। सो ऐसा कुछ होता है। अब वेटिंग लिस्ट की बात करते हैं। वेटिंग लिस्ट क्या होता है दोस्तों? वेटिंग लिस्ट में होता सिंपल सी है कि वेटिंग लिस्ट में आपका जितना भी रहेगा, तो वेटिंग लिस्ट में जैसे मान लीजिए 20/12 आ गया वेटिंग लिस्ट, WL 20/ आपका WL 12 हो गया, यानी इसका कल मतलब है कि आपका जब तक आपका जो है कंफर्म नहीं लिखता है आपका, तब तक आप जो है एलिजिबल नहीं हो सकते ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि आपको ट्रैवलिंग करने नहीं दिया जाएगा। अगर ट्रैवलिंग करते हैं बाई चांस, अगर आपका जो है मोबाइल से टिकट काटे हैं या कहीं सिस्टम से काटे हैं, काउंटर टिकट आपका नहीं है और मोबाइल से किए हुए हैं, तो आप अगर जाते हैं टिकट लेके और आपका कंफर्म नहीं होता है, तो आप अगर ट्रेन में चल भी जाते हो तो आपको फाइन लगेगा, क्योंकि आपका टिकट हुआ हो जाएगा कैंसिल अगर कंफर्म नहीं होता है तो, और आपको पैसा पूरा वापस आ जाएगा आपके अकाउंट में 1 दिन 2 दिन या 7 दिन के अंदर में आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा। सो दोस्तों, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। सो अब चलिए बताते हैं कुछ और विस्तार में। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर RSC 20/RSC 15 ऐसा देता है। जैसे कि आप लोग टिकट बुक करते हो तो आपको ऐसा शो करता होगा RSC 20/RSC 15/12 जो भी होगा आपका यहाँ से शो करता होगा। इसका क्या कहने का मतलब है? इसे कहने का ये मतलब है कि RSC यानी कि इस ट्रेन में 20 बंदे ने बुक किया लेकिन RSC 15 पे आ गया भी ये अटका हुआ है, यानी कि 20 बंदे ने बुक किया लेकिन 15 RSC 15 पे अभी है, यानी कि 5 बंदे ने इसमें कैंसिल करा लिया है अपना टिकट। सो ऐसे वैसे करके धीरे धीरे आते आते RSC 15 है, वो 20 तो रहेगा ही, RSC 15 वैसे कम होते होते आपका जो होगा कि धीरे धीरे आपका एक पे आएगा, एक के बाद आपका कन्फर्म हो जाएगा। और एक चीज़ इसमें आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि 20 पे आपने देखा, कुछ देर के बाद आप देखेंगे, 1 दिन 2 दिन के बाद, कुछ दिन के बाद और देखेंगे तो आपका दिखेगा RSC 20 लिखा हुआ था, तो यहाँ पर लिख देगा RSC 35 RSC आपका जैसे 15 था तो 15 में घट के आया होगा 10 या आपका 12 या हो सकता है 15 ही रह जाए, तो इसमें आपका यह दिखेगा, यानी कि पहले था RSC 20 था लेकिन अभी हो गया RSC 35। इसके कहने का मतलब यह है कि आपका जो है इसमें बुकिंग जा रहा है, यानी कि बंदा बुकिंग करवा रहा है 20 से 35 तक पहुंच गया, लेकिन जो है उसका
जो है आपका स्पेस देके आदेशी 12 दे दिया, यानी कि वो जो है उसमें से कैंसिल भी किया है, कितने बंदों ने जो जो भी बुक किया वो कैंसिल भी किया। तो इससे पता ये चलता है, ग्राफ उससे पता चलता है कि हाँ इसमें 35 तक अभी बुकिंग गया है, लेकिन इसमें जो है 12 अभी जो है आया हुआ है, यानी कि इसमें चांसेस ज़्यादा है आपका कन्फर्म होने का, ऐसा चांस देता है। यानी और मान लीजिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मान लीजिए आपका देता है RAC 20, और उसी RAC 20 स्पेस RAC 20 आपको ये दे दिया, 2 दिन 3 दिन के बाद भी आप देखते हैं तो वही रहेगा आपका RAC 20 ही रहेगा, और 20 रहे 21 रहे 22 रहे, यानी कि आपका जो भी रहे और स्पेस देखा आपका RAC 20 ही रहेगा। इसका कहने क्या मतलब कि आपका जो है बुकिंग आप 2 दिन पहले भी देखे तो उतना ही था, अभी भी उतना ही, यानी कि उसमें कैंसिल नहीं हो रहा, तो उसमें चांसेस आपको बहुत कम हो जाता है ये कंफर्म होने का। तो ऐसा कुछ होता है। तो दोस्तों आई होप कि इससे आपको समझ में आया हो कि RAC ऐसा 20/ जो भी होता है नंबर आपका क्यों दिया जाता है, तो इससे आपको समझ में आ गया इस चीज़ को। सो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब चांसेस किसका होता है सबसे ज़्यादा कंफर्म होने का, RAC का या WL का। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले आपका चांसेस जो होगा, सबसे पहले चांसेस नहीं, सबसे पहले होगा आपका जो है RAC ही कंफर्म होगा, उसके बाद जाकर वेटिंग लिस्ट वाला आपका कंफर्म हो गया, क्योंकि RAC को सबसे पहले कंफर्म दिया जाता है, उसके बाद RAC आपका पूरा कंफर्म हो जाएगा, जितने भी RAC में बुक किए होंगे उनका पूरा कंफर्म बुकिंग हो जाता है, उसके बाद वेटिंग लिस्ट में आता है, और वेटिंग लिस्ट में भी धीरे धीरे कंफर्म होता है। तो अगर आपको कहीं जाना है और इमरजेंसी है, हाँ इस डेट को जाना ही है और आपको सीट नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले देखिए कि जिसमें RAC है, RAC आपको दे रहा है तो RAC वाला ही पहले बुक कर लीजिए, क्योंकि आपका चांसेस है RAC मैक्सिमम जो होता है कन्फर्म हो जाता है, और वेटिंग लिस्ट में तो आपको पता ही है कि कन्फर्म होता भी है नहीं भी होता है, लेकिन मैक्सिमम जो है RAC आपका कन्फर्म चांसेस हो जाता है, और नहीं भी होता है तो आपको हाफ बर्थ तो मिलेगा ही और आप ट्रेवल कर सकते हैं आराम से। लेकिन आपका जो है अगर WL में रहेगा, वेटिंग लिस्ट में रहेगा, तो क्या होगा कि आप वहाँ से बुक नहीं कर, वहाँ से आप ट्रेवलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जब तक जो होगा कंफर्म नहीं होगा तब तक आप ट्रेवलिंग नहीं कर पाएंगे, ऑटोमेटिक वो कैंसिल हो जाएगा टिकट आपका, जब ट्रेन जो होगा डिपार्चर होगा उस समय अगर कंफर्म नहीं होता है तो। सो दोस्तों अब बात करते हैं कि विच इज द बेस्ट, यानी कि दोनों में आपका बेस्ट कौन है, RAC बेस्ट है या WL की बेस्ट है। जैसा कि आपको मैं इस वीडियो में समझाया, इससे आपको पता चल ही गया हो कि कौन सा बेस्ट है आप लोग के लिए। और एक चीज़ मैं इसमें एक और मैं आपको राय देता हूँ कि आप डिस्टेंस देख लीजिए, आपको कितना दूर जाना है, अगर आपका ज़्यादा दूर का डिस्टेंस है और RAC में आप जा सकते हैं, कंफर्टेबल है कि हाँ उतना दूर आपका 2 बंदे, अगर कंफर्म नहीं भी होता है आपका तो हाफ हाफ बर्थ करके आप 2 बंदे वहाँ पे एडजस्ट करके जा सकते हैं एक ही सीट पे, तो आप जाइए बिल्कुल, और नहीं तो अगर नहीं जा सकते तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आई होप कि वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।